राम सीता हम सबको। तो आज मैं सब लेगो का जितने भी थिंग्स में लेगो से बनाई है वो सब मैं दिखाऊंगा। तो पहले जो मैं दिखाऊंगा वो है ये ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर के यहाँ पे जितना भी थिंग्स है वो जाएगा तो इसके अटैचमेंट चाहिए। ये ट्रैक्टर के ये घास काटने का है, ये चोली है, ये सोइंग मशीन है, ये कल्टीवेटर है, ये कुछ लिफ्ट करने का है कुछ भी चीज, और अब सामने लगाने के लिए अटैचमेंट्स ये लगा देंगे। तो फिर ज़्यादा अटैचमेंट्स हम आगे के लगाएंगे लगा सकते हैं। ये ग्रिप है ग्रिप करने के लिए कुछ, ये डिग करने का है, ये जमीन में ड्रिल करने का है, और ये ग्रिप के लिए कुछ पकड़ने के लिए है। सामने कुछ लगाना है तो फिर ये लगाना है पहले, उसके बाद जो भी लगाना है वो लगा देना। इससे डिग होगा, इससे डीप होगा, ये और ये ड्रिल करने का मशीन है। और पीछे के जो अटैचमेंट है वो ये ऑयल में घुसेंगे और ये अटैच हो जाएगा। ये पीछे के अटैचमेंट ये चोली है जो वैसे होगा। टेक्निकल डिफिकल्टीज किसी किसी में अच्छे से नहीं फिट होता तो फिर ये वाला पीस चाहिए। ये चोली है, ये घास काटने का मशीन, ये सोइंग मशीन,
technical difficulties. Technical difficulties. कुछ थिंग्स लिफ्ट करने के लिए जो है वो ऐसे भी होता है। यस ये बोलो निकल दिया से मम्मी के फोन में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि मेरे गोपो में 0% चार्ज हो गया था। ये ऐसे फिट हो जाता है। ये सेट के साथ ही ये गाड़ी आई थी मैकलेन। सोने तो जैसा सोने जैसा कुछ नाम था इसका। और ये दोनों में एक चीज मेरे को अच्छी लगी है वो है कि दोनों में हेलमेट आते हैं।
जो ऑरेंज वाला है उसे मैंने थोड़े से मॉडिफिकेशंस भी किए हैं। टेक्निकल डिफिकल्टीज इसमें भी है मुझे, लेकिन इसमें एक मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है वो मैं दिखाऊंगा अभी। वो है कि कोई कोई स्पोर्ट्स का में ऐसा होता है कि जब स्टॉप करना है तो फिर कुछ स्पॉइलर से आता है, लेकिन स्पॉइलर में मैं कुछ नहीं बना पाया ऐसा कुछ, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है स्टॉप। स्टॉप करने के लिए ये ऊपर हो जाता है। ऐसे मैंने वो विजन के लिए तो नहीं बनाया था, मैंने ये विजन के लिए बनाया था कि ये दोनों पीसेस निकाल दे तो फिर ये पूरा खुल जाता है। और फिर मैं पिटन करता हूँ कि इसमें इंजन में, क्योंकि ये गाड़ी में मशीन नहीं हो, पीछे आता है इंजन या फ्रंट में, मुझे लगता है कि पीछे आता है। ओके ये दो पीसेस कनेक्ट कर दें कैसे। टेक्निकल डिफिकल्टी और ये हो गई, ये दोनों गाड़ियों का। अब फिर ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है स्क्रीन में फिट होने के लिए। ये गाड़ी बहुत बड़ी है, इससे डबल है। वो एक कोइंसिडेंस है जिसमें ये तीनों मैक्लेरेन है, तीनों के तीनों। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल है, इसमें स्टीयरिंग तो है लेकिन ये गाड़ी पुल बैक लेवल का है। इसमें दो पुल बैक के मोटर आते हैं, जब हम ऐसे खींचते हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज, जब ऐसे करते हैं तब ये छूट जाता है और भागती है। इसका मैं वीडियो डालूंगा अभी एडिटिंग में, इसमें मैंने वीडियो बनाया है इसका। छोटा सा क्लिप बनाया है लेकिन, और ये नेक्स्ट आया है, ये लैम्बोर्गिनी है, इसमें भी सेम स्टीयरिंग का है लेकिन इसमें ये खुलता है, दरवाजे खुलते हैं। और इसमें स्पेशल थिंग ये है कि इसमें इंजन है, तो हम ये टायर घुमाएंगे। मेरे को ये नदी
नीचे लेने पर दिखाने के लिए। टायर घुमाते हैं तो फिर टेक्निकल डिफिकल्टीज। ये वीडियो में बहुत सारे टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रहे हैं। ऐसे घूमते हैं धीमे गए तो फिर ये इंजन चलेगा। लास्ट वाला सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, साइड में करना पड़ेगा। ये अर्थ सन मून ये मून है, ये अर्थ है और ये सन है और ये उसका पूरा मैकेनिज्म कैसे घूमता है वो सब कुछ। इसका एंगल बहुत बड़ा हो गया, ये एंगल के स्क्रीन तो नहीं। इसमें इसके वीडियो करने के लिए मेरे को मम्मी के हेल्प की जरूरत पड़ी। और ये कुछ स्पेशल है, यहाँ से घुमाएंगे। ये क्या है पूरा वो तुमने बताया? हाँ। ओके, सन इतनी स्पीड से घूमता है, फिर वहाँ पे अर्थ और अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, ये सब चंद्र जितना भी कंसेप्शन है वो यहाँ पे स्पिन होगा। यहाँ सन को स्पिन करेगा, फिर उसमें दूसरा कंसेप्शन होगा, मतलब मैकेनिज्म कंसेप्शन। मतलब ये पूरा एक्सल ये घुमाता है, ये गियर जिससे ये गियर घूमता है, जिससे ये पूरा घूमता है। तो जब यहाँ पे रुको, जब यहाँ पे मून होता है तो फुल मून होता है। हाँ, चाहे तो पीछे एक बार, जब सूर्य यहाँ पे होता है, धरती यहाँ पे होती है और यहाँ पे होता है चंद्र, तो अमावस्या होती है। हाँ, तो नो मून होता है, मून ही नहीं होता है उस दिन, चंद्रमा नहीं दिखती है ना। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि चंद्र से जो यहाँ पे जो लाइट आती है, यस, वो क्या, लाउडर बोलो थोड़ा। यहाँ पे जो लाइट आती है चंद्र सूर्य से, हाँ, फिर वो धरती तक नहीं पहुँचती, वो यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं पहुँचती। क्यों? एक्सप्लेन। मतलब यहाँ पे तो पहुँच, वैसे मेरे को नहीं पता कंफ्यूजिंग है ये वाला। नहीं, जब यहाँ, इसको पीछे जाने दो, जब यहाँ पे होता है, जब वहाँ पे जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे फुल मून। हाँ, वहाँ पे श्योर, वहाँ पे ही है ना फुल मून। यहाँ से लाइट जाता है, हाँ, मून के ऊपर जाता है और मून से ऊपर भी जाता है, लेकिन उसके अराउंड भी जाता है, फिर मून से रिफ्लेक्ट यहाँ पे तक आ जाता है और फिर यहाँ पे आता है। तो ये पूरा सिस्टम है धरती का, चंद्र का, सूर्य का,
घूमता है, वो अपनी जगह पे भी घूमता है और पूरा ऐसे भी घूमता है। ये जो थीम है हाँ, उसमें जैसे टाइम लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू, ये जो नया मशीन है उसमें सितंबर फिर अगस्त में से सितंबर होगा, क्योंकि जो धरती है ये तो 24 आवर में घूमता है ना, एक चक्कर 24 आवर्स में एक चक्कर घूमता है और फिर वो अपनी जगह पे घूमता है और सूर्य के आसपास भी घूमता है और चंद्र यहाँ पे, तो इसका पूरा मैकेनिज्म समझने वाला है। अभी न्यू ईयर जनवरी चालू हुआ है अकॉर्डिंग टू ये मशीन। अभी अप्रैल, अभी अप्रैल है यहाँ पे टाइम भी, और यहाँ पे चंद्र की पोजीशन भी दिखाई गई है। वो इसमें आता तो मेरे को समझ नहीं आता, क्रिसेंट मून कब होता है, हाफ मून कब होता है, फुल मून कब होता है, वो मैं ऐसे ये कुछ नहीं समझ पा कि कैसे हुआ कि एक गियर से दो मैकेनिज्म हुए, क्योंकि तुमने फिक्स किया पूरा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया एक गियर में से कैसे वो पूरा बनाया हुआ है। बने तो अभी चलो सो जाने का टाइम है, ठीक है सो जाए अभी। हाँ नहीं, हाँ तो अभी सो गए चलो, लेकिन अभी ये खत्म हुआ, वीडियो का खत्म हुआ या अभी बाकी है? हो गया ना सब कुछ, बाय बाय बोल दो, ठीक है सबको बाय बाय बोल दो, कितने दिनों से करना था हमको ये पूरा, तो हो गया खत्म है ना। तो ये है ओम का पूरा लेगो कलेक्शन, जिसमें ये दो बड़ी कार्स है, ट्रैक्टर है, और इसके साथ इतने सारे इम्प्लीमेंट्स है, गाजर भी लगे हुए हैं खेत में बनी भी है बहुत ज़्यादा, और ये जो ये अभी लास्ट गिफ्ट में आया था कहाँ पे है बनी, ओके बनी भी है, बनी है ओके ये सब। हाँ और गाड़ियाँ है साइड, हाँ यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, और ये मून का पूरा जो सेट है सन मून अर्थ वाला। अभी कितने बजे, कितने बजे